गाइस, आज मैं जंगल की तरफ जा रहा हूँ और सोचा कि आज मैं कुछ आपको जंगली सब्जी बना के बताऊँ। तो मैं जा रहा हूँ अभी, एक हमारे यहाँ पर जंगली कचालू के पत्ते होते हैं जिनको हम बनाड़ बोलते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में। तो गाइस, हम उसके पत्रोड़े बनाएंगे आपको, तो पूरी तरह से आपको उनका बनाने का पूरा सिस्टम भी बताएंगे। और ये जो भोजन है गाइस, ये बहुत ही जायकेदार, स्वादिष्ट और पौष्टिकता से भरा हुआ है। तो अभी जंगल में ही मिलते हैं जाकर के सीधे ही। सोचा पहले मैं आपको बता दूं कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, तो आइए चलते हैं इस जंगल में। कितना बड़ा जंगल है देखो, ढूंढेंगे हम जंगली कचालू के पत्ते और फिर उसके पत्रोड़े बनाएंगे हिमाचली स्टाइल में, पहाड़ी स्टाइल में, और पहाड़ी जायका हम आपको बताएंगे कैसा होता है। गाइस, वो जो मैं बोल रहा हूँ ना पत्ते वगैरह, वो यहाँ पर हैं इस जंगल में। ये देखो कितना घना जंगल है और ऐसी ऐसी चट्टानों में होता है ये, खड़ी चट्टानों में। मेरे को यहाँ ऊपर जाना पर दिख रहा भी रहा होगा आपको, चलो मैं दूसरे कैमरे से दिखाता हूँ मैं आपको अभी। ये देखो फ्रेंड्स, ये दिख रहा है ना आपको, ये वो जंगली कचालू के पत्ते। ये देखो, तो मैंने ये तोड़ने ऊपर चढ़ करके यहाँ से, देखो ये देखो कितने सारी पत्ते हैं इन चट्टानों में लगे हुए। ये देखो ऊपर तक, वो देखो है ना, तो मैं वहीं जा रहा हूँ इनको लाने के लिए। बस आप देखते रहो, मैं अभी इसको स्पीड में करता हूँ वीडियो को ताकि आप बोर ना होए, और फिर जल्दी ही मिलता हूँ मैं आपसे। गाइस, ये ले आया मैं पत्ते, देखो अभी दिखाता हूँ मैं आपको। गाइस, ये हैं वो अरबी के पत्ते, जंगली अरबी के पत्ते, बहुत ही अच्छे होते हैं ये, बहुत ही स्वास्थ्यवर्धक होते हैं, विटामिन से भरपूर हरा पत्ता, जंगली हरा पत्ता। इसमें कुदरती तौर पर ना कोई खाद का इस्तेमाल हुआ है, ना कोई केमिकल का, ना फर्टिलाइज़र का, कुछ भी नहीं, सिर्फ कुदरती तौर पर ये चट्टानों में ही लगते हैं ज़्यादातर। गाइस, एक तो होता है ना अरबी जो खुद बोते हैं, इसमें और उसमें जमीन आसमान का फर्क होता है। ये जो गाइस है ना, उल्टी साइड इसकी पहचान यही है कि ये बैंगनी कलर के होंगे, बस नीचे कर दिया, उल्टी साइड से इनका कलर बैंगनी होगा। ये देखो, ये गाइस इस कलर के होंगे ये। गाइस, मेरे को बहुत ज़्यादा प्यास लगी हुई है क्योंकि मैंने अभी ऊपर पहाड़ों से, इनसे चट्टानों से मैंने अभी पत्ते वगैरह लिए वो अरबी के, तो मैं अभी पानी पी लेता हूँ। ये देखो प्यास लगी है, और ये देखो पसीना, ये देखो गाइस, बहुत ही ठंडा पानी, बहुत ही मीठा और ठंडा पानी। गाइस, मैं थोड़ा सा भी अपने आँखों में थोड़ा पानी डाल लेता हूँ, बहुत गर्मी लगी हुई है। गाइस मज़ा आ गया, गाइस मज़ा आ गया, इतना बढ़िया पानी, बहुत ही बढ़िया। वैसे भी चलते हैं घर की ओर, और घर में बनाते हैं जंगली कचालू के पत्रोड़े। आप भी खाएंगे, मैं भी खाऊंगा, चलो चलते हैं। पर एक बात है, मेहनत बहुत लग रही है इस वीडियो में, सब्सक्राइब और लाइक करके किए बिना नहीं जाना है, ठीक है। जिन्होंने सब्सक्राइब कर दिया उनका धन्यवाद,
और बाकी सब्सक्राइब करें गाइस। पत्रोड़े बनाने के लिए जो हमें एक पेस्ट चाहिए होता है, मसाला तैयार करना होता है, उनके लिए जो हमें सामान चाहिए या मसाले चाहिए, उनमें से प्याज चाहिए, 2 से 3 या 4 बड़े बड़े प्याज चाहिए। उसके बाद कुछ गोलियां लहसुन की चाहिए। उसके पास है बुवाई तुलसी, तुलसी का ही रूप है बट हम इसको अपनी लोकल लैंग्वेज भाबरी बोलते हैं। जैसे कि 9 प्रकार की तुलसी होती है आपको पता ही है, उनमें से एक ये भी है बुवाई तुलसी यानी भाबरी। हरी मिर्च, जीरा, फिर मेथी दाना, धनिया दाना, फिर 2 बड़ी इलायची और 2 टुकड़े दालचीनी के, और श्रद्धा अनुसार जाएगा इसमें धनिया। इसमें एक जो जरूरी चीज़ है वो है, या तो आटा ले लो आप मक्की का और बेसन मिक्स करके, या तो फिर पूरी तरह से चने की दाल को पीस करके वो पेस्ट तैयार कर लो, उसमें सारी इन चीज़ों को कूट करके मिला लो। तो मैं पेस्ट तैयार करके मिलता हूँ थोड़ी देर में। फ्रेंड्स, जो पत्रोड़े बनाने के लिए मैंने मसाला तैयार किया था उसका पेस्ट कुछ इस तरह से है। और हाँ, साथ में मैं एक बात बोलना भूल गया था आपको, इसमें आप अनारदाना भी, सूखा अनारदाना आप इसमें मिला सकते हैं। तो इसके क्या है कि इसकी जो तासीर है वो ठंडी हो जाती है, ऐसे गर्म होता है इसकी तासीर बोलते हैं। तो अगर आप चाहें तो इसमें अनारदाना भी मिला सकते हैं। सबसे पहले गाइस, ये जो अरबी, जंगली अरबी का पत्ता है उसको ऐसे पीस से काटना है और इसको उल्टा कर देना है ऐसे, और इसमें ये जो पेस्ट है इसको लगाना है। इसमें ये ऐसे लेना है और ये ऐसे लगा देना है। और गाइस, ऐसे ही एक दूसरा पत्ता लेना है, इसको ये ऐसे फिर निकालना है, इसको उल्टा रखना है ऐसे, जैसे कि यहां से है ना ये पत्ता, तो इसका ये वाला हिस्सा नीचे की तरफ करना है, ये ऐसे करके, और फिर उसमें वही प्रोसेस पूरा करना है बेसन लगाने का। थोड़ा ज्यादा बेसन लगाएं, कम ना लगाएं, कंजूसी नहीं करनी है क्योंकि स्वाद इसी का ही ज्यादातर होगा। गाइस, फिर आप ऐसा ही एक पत्ता और ले लें, अब इसको इस साइड लगा दें ऐसे, और ये ऐसे प्यार से, आराम से करना है गाइस, ये काम जल्दी जल्दी में खराब हो जाता है ऐसे। इसके लिए चाहिए होगा टाइम। ऐसे गाइस, और गाइस ये बन गया ना पूरा। इसके बाद आपने फोल्ड करना है इसको, ये इस तरीके से ऐसे ऐसे दबा देना है इसको ऐसे, और फिर दोबारा से इसमें बेसन अप्लाई कर देना है ऐसे प्रॉपर तरीके से। इसी तरह दूसरी साइड से भी ये ऐसे, इसमें भी ऐसे ही अप्लाई करना है मसालेदार बेसन। ऐसे गाइस, इसको ना इस तरह से करके अब इसको रोल कर देना है ऐसे, तो गाइस ये पत्रोड़ा बन गया, पकाने के लिए रेडी है अभी, खाने के लिए नहीं। तो ऐसे ही हम सारे पत्रोड़े बना देंगे।
गाइस थोड़ा इग्नोर करें, टेबल थोड़ा मेसी हो गया है तो मैं इसको अभी साफ करता हूँ। इसके बाद अभी इसको इग्नोर ही करना आप। गाइस इसको पकने के लिए रख देते हैं थोड़ी देर, उसके बाद मिलते हैं। गाइस पकने के बाद कुछ इस तरह से हैं ये पत्रोड़े, लेकिन अभी भी इनको खाएंगे नहीं, अभी इनके पीस करेंगे छोटे छोटे ऐसे। और ये चाकू लेकर के ये इस तरह से काटेंगे गाइस। ये ऐसे ऐसे ऐसे, ये देखो गाइस इस तरह का पीस बनेगा इसका। इसको भी हम तलेंगे, उसके बाद ही खाने को होगा। बढ़िया पकोड़े की तरह कुरकुरा। जो मैंने अभी पत्रोड़े बनाए थे उनको काट दिया है और इस तरह से अब मैं इनको तल रहा हूँ तवे में, और दोनों तरफ से तलूंगा कुरकुर होने तक, उसके बाद इनको सर्व करूंगा। गाइस कुछ इस तरह से बने हैं पत्रोड़े, अभी आप इनको दही के साथ सर्व कर सकते हैं, खाएं और खिलाएं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट ब्लॉग में। सब्सक्राइब करना ना भूलें मेरे चैनल को, और मेरे वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू।